बात जरूर लिखे। एशिया कप का ग्रुप ए के पहले मैच में पाकिस्तान ने हांगकांग को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत हांगकांग को 116 पर ढेर करने के बाद पाकिस्तान ने जरूरी लक्ष्य 2 विकेट खोकर 158 गेंद पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से इमाउल हक ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली। 117 के आसान लक्ष्य को हासिल करने उतरी पाकिस्तान को इनफॉर्म सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी फखर जमान 27 और इमामुल हक नाबाद 45 में चिर परिचित शुरुआत दी। जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मुकाबले को बिना विकेट खोए हासिल करने की ओर अग्रसर है, उसी वक्त 41 के कुल योग पर एहसान खान की गेंद को कट करने की कोशिश में जमान विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। 9वें ओवर की पहली गेंद पर लगे पहले झटके के बाबर आजम ने इमाम के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 52 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। जीत से 24 रन पहले आजम एहसान के दूसरे शिकार के रूप में पवेलियन लौटे। आउट होने से पहले आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बने। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जहीर रब्बास और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के 45 पारी में बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की। अंत में शोएब मलिक 9 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हांगकांग की टीम पाकिस्तान की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे 37.1 ओवर में 116 रन पर ढेर हो गई। हांगकांग ने एक समय 44 रन पर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद एजाज खान 27 और किंचित शाह 26 ने 6 विकेट के लिए 53 रन की अर्धशतकीय साझेदारी कर हांगकांग को 100 के पार पहुंचाया। एजाज ने 47 गेंदों की पारी में 2 चौकों और 1 छक्के, जबकि किंचित ने 50 गेंदों की पारी में 1 चौका लगाया। पाकिस्तान की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने हांगकांग के 6 बल्लेबाज दहाई तक भी नहीं पहुंच सके। कप्तान अंशुमान रथ ने 19 और निजाकत खान ने 13 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए उस्मान खान ने 19 रन पर 3 विकेट, शादाब खान ने 31 रन पर 2 विकेट, हसन अली ने 19 रन पर 2 विकेट और फहीम अशरफ ने 10 रन पर 1 विकेट छटके। अदीबा स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें।